हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस बाल दिवस आप संकल्प लें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उस विशेष उपलब्धि को पूरा करने के लिए आप निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे। इस बाल दिवस मैं आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि हो सकता है आप योग्यता में किसी दूसरे से कम हो, हो सकता है दूसरे को आपसे कुछ चीजें ज्यादा आती हों, लेकिन कभी भी हार न मानने वाली योग्यता आपको औरों से ज्यादा भिन्न बना देती है और इसी योग्यता के चलते आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। जी हां, आपने जो भी चीज ठानी है अगर आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो एक तो आपको खुद को जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलती है, दूसरा हम किसी न किसी व्यक्ति से जरूर जुड़े हैं, अपने पेरेंट्स से जुड़े हैं, अपनी सोसाइटी से जुड़े हैं, अपने दोस्तों से जुड़े हैं। तो जब हम अपने उस ठानी हुई चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम अपनों की नजरों में ही गिर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने ठाना है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आए, और बाधाएं आनी स्वाभाविक है, वो आती ही हैं, और उन बाधाओं को ही हमने पार पाना है। क्योंकि कहते हैं कि वो लोग कभी भी सफल नहीं होते जो लोग हमेशा अपनी मंजिल के बारे में नहीं बल्कि बाधाओं के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। और कहते हैं कि बाधाएं तो बहादुरों के हिस्से आती हैं, इसलिए उनको सहज स्वीकार कीजिए और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग बाधाओं को पार करते हैं वही इतिहास रचते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो विशेष अवसर बहुत जल्द पूरा होने वाला है या आने वाला है जब सफलता आपका कदम चूमेगी और आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। जनाब असदुल्लाह खान बेग मिर्जा गालिब ने लिखा है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मगर जब मुसाफिर हिम्मत ना हारे। तो इसलिए आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा सपने देखते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए, आप जरूर अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। लास्ट में मैं सिर्फ आपको तीन चीजें कहना चाहूंगा, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर गिव अप, कीप लर्निंग।